बता रहे हो टीचर अच्छे तरीके समझाते हैं क्या? हमारे टीचर है वो काफी अच्छे, मतलब वो प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ाते, खुद हाथ से पढ़ाते, क्लास में नोट लिखाए जाते हैं, वो लिखाए जाते हैं नोट्स, जो चीज समझ में नहीं आ रहे होते टीचर बताते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसे होती है, फैकल्टी क्वालिटी कैसी है, कैंपस लाइफ कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आप सबको पता होगा कि अभी सिलोन यूनिवर्सिटी हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कैंपस शूट कर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट अभी मिले हैं, तो इनसे मैं जानूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में सारा डिटेल्स, ठीक है? तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए कि आप अगर एडमिशन लेने आओ, एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले जानना चाहूंगा आप दोनों लोग का नाम क्या है और कहाँ कहाँ से हो आप लोग? आई एम विश्वास, आई एम फ्रॉम हरियाणा। आई एम फ्रॉम हरियाणा। अच्छा अच्छा, हरियाणा से हो। और यहाँ पे अभी कौन से कोर्स में हो, कौन सा ईयर है? मेरा फर्स्ट ईयर है बीटेक सीएससी एआई रिसर्च। सेम बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर बीटेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि क्या है कि रैंडम सवाल सब लोग पूछते हैं, लेकिन अभी जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं एडमिशन के लिए, तो उनको जो एक्चुअल चीज़ चाहिए वो उनको जानना जरूरी होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आप लोग यहाँ पे आए हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो क्लास करके एक्सपीरियंस समझ में आ ही गया होगा, सीनियर से इंटरेक्शन हुआ होगा, वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में चीज़ें आ गई होगी। यहाँ पे ऐसा क्या कुछ खास किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे लग रहे हैं? कि अभी हमने देखा कई सारे बच्चे से बात की है, 6-7 लाख का पैकेज बता रहे थे, लगता है एवरेज पैकेज, ऐसा यूनिवर्सिटी क्या कर रही है जिस वजह से ऐसा पैकेज लग रहा है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बैच है, मतलब वो ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब उसमें 40 या 50 बच्चे हैं, मतलब ताकि सबको अच्छे समझ आए, बाकी प्रैक्टिकल वे से भी समझाते हैं, मतलब अच्छे स्टडी वगैरह का फैकल्टी भी है जो फ्रेंडली है, सब मतलब अच्छे से समझाता है सारा कुछ, बाकी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। वैसे भी आप यहाँ पे देखोगे मतलब इन्वायरमेंट यहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम अच्छा रहता है यहाँ पे। जैसे होता है ना कि इंडस्ट्री के अंदर अभी क्या है कि इंडस्ट्री वाले ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के पास वो स्किल्स ही नहीं है जिस वजह से उनको हायर किया जाए, ऐसा कोई पार्टिकुलर स्किल्स जो सीनियर है वो लोग को सिखाया जा रहा है क्या? नहीं, जो यहाँ पे जैसे एआई चल रहा है तो मतलब यहाँ पे काफी अच्छे से उस चीज के बारे में कोडिंग सिखा रहे हैं, मतलब टीचर्स फैकल्टी काफी ज्यादा अच्छी है, फैकल्टी इतने अच्छे है, मतलब जो स्किल्स वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आने देते, मतलब हर एक बच्चे को हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, मतलब अच्छे से उनको सिखाया जाता है ताकि उनकी स्किल भी इम्प्रूव हो और साथ साथ वो लर्निंग भी अच्छे से कर सके। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे आप बता रहे हो टीचर अच्छे तरीके समझाते हैं, क्या उनका मेथोडोलॉजी होता है? जैसे क्लास में वो थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद कैसे नोट, एक होता है कि क्लास में नोट बांट दिए उसके अकॉर्डिंग वो समझाते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करा देते हैं, यहाँ पे कैसा होता है? नोट लिखाया जाता है या फिर वो दे देते हैं आपको लेक्चर का वो पीडीएफ बना करके? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से नोट्स बांट दिए, मतलब ऐसा बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक क्लास में नोट लिखाए जाते हैं, वो लिखाए जाते हैं नोट्स, जो चीज समझ में नहीं आ रहे होते वो टीचर बताते हैं, बच्चे को याद भी रहे और खुद भी सीखे। और हमारे टीचर है वो काफी अच्छे, मतलब वो प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ाते, खुद हाथ से पढ़ाते हैं बोर्ड पे, उनका मतलब उनका ये माइंड है कि मतलब बोर्ड पे पढ़ाने से बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है। टीचर्स यहाँ पे मतलब फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टर तो अवेलेबल है क्लास में, बट फिर भी वो हाथ से, प्रोजेक्टर का जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे प्रोजेक्टर यूज किए जाते हैं, नोट जो होते हैं वो आपको करा जाता है। उसके बाद तीसरा जो सवाल है कि फैकल्टी, आप लोग बता रहे हैं फैकल्टी काफी अच्छे हैं, तो इसी पे मैं पूछता हूँ फैकल्टी का क्या क्या क्वालिटी है, मतलब उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जो मतलब मैं एमटेक होता है, एक पीएचडी लेवल के होते हैं, एक्सपीरियंस क्या रहता है उनका पढ़ाने का ये सब? हमारे एक फैकल्टी है मतलब जो हमको सी लैंग्वेज सिखाते हैं पुनीत सर, मतलब वो बहुत बेसिक तरीके से सिखाते हैं, मतलब अगर किसी बच्चे को मतलब बेस क्लियर ना हो, मतलब उसको भी वो साथ लेके चलते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हर बच्चे को मतलब उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, मतलब सभी टीचर हैं जो अच्छे तरीके से कराते हैं, मतलब कोई डाउट नहीं रहता। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन काफी अच्छा रहता है, इंटरेक्शन अच्छा रहता है। एक होता है ना टीचर थोड़ा रूडली बोल दिया ऐसा कुछ, जैसे ऐसा भी कई जगह देखा गया है कि रीजनल एरिया के अगर स्टूडेंट है तो उनको ज्यादा प्रीफर किया जाता है, कोई सवाल पूछते हैं तो उनको ज्यादा बताया जाता है, अदरवाइज अदर स्टूडेंट जैसे यूपी से कोई आ रहा है, कोई बिहार से आप भी आ रहा है, ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सारे एक फैमिली की तरह रहते हैं, ये बढ़िया बात है। उसके बाद मैं ये भी, जैसे मैं अभी कैंपस घूम रहा हूँ, कैंपस टूर भी कर रहा हूँ, शायद ये जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल पे देख भी लिए होंगे कैंपस टूर, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं खुद भी देख रहा हूँ यहाँ का माहौल जो है, यहाँ का ग्रीनरी एरिया है, ये पहाड़ों में बसा हुआ कॉलेज मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फ्रेश एयर मिल रहा है ना और जो सुकून मिल रही है ना, ये चीज़ आपको दिल्ली और नोएडा में शायद नहीं मिलेगा। और सब लोग का अलग अलग चॉइसेस होता है, बहुत सारे लोग को होता है कि मेट्रो सिटी में पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि यहाँ, तो आप लोग का ऐसा क्या रीज़न था कि आप सिलोन यूनिवर्सिटी में आए हो, और क्या देखे और क्या यहाँ अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है? मैं हरियाणा में पंचकूला मतलब चंडीगढ़ के पास से ही हूँ, बट पहले मैंने सोचा चितकारा का, बट मेरे को एनवायरनमेंट चाहिए था, मतलब अच्छा जहाँ पे शांति हो, मतलब स्टडी भी अच्छी हो, तो मेरे को चितकारा से बेटर यहाँ पे लगा। तो अभी अभी यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो? नहीं, मैं चणक्या पीजी में। अच्छा, पीजी में रहते हो आप? हॉस्टल। आप हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो? यस। कहाँ पे हॉस्टल इनका? आर्यभट्टा नीचे। अच्छा अच्छा, मैं देखा हूँ नीचे। तो कैसा वहाँ पे खाना वाना कैसा रहता है? खाना तो मतलब ना हर वीक, जैसे हर मंथ बुलाते बच्चों, उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा खाना बन रहा है,
अगर कोई मना करता है तो मेन्यू चेंज करा जाता है, और खाने मतलब जो है वो स्टाफ भी चेंज कर देता है अगर स्टाफ अच्छा नहीं लग रहा खाने का। हॉस्टल का क्या चार्ज है? 75,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर। अच्छा, कूलर? नो हीटर। अच्छा, वो ऐसे भी गर्मी का ही अभी मौसम चल रहा है, फिर भी यहाँ पूरा ऐसा लगेगा की डिग्री यहाँ पे लगभग 20 के आसपास होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर सवाल है, जो शुरुआत में मैंने सवाल किया था की प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ का बताओ, आप लोग के अकॉर्डिंग जो सीनियर से इंटरेक्शन हुआ होगा, ठीक है इंट्रोडक्शन तो हुआ ही होगा सभी लोग का, तो क्या लगता है क्या यहाँ का प्लेसमेंट रहता है? प्लेसमेंट ड्राइव भी चल रहा था अभी मैंने ऊपर देखा है, तो क्या है कुछ आइडिया इसके बारे में? मतलब ज्यादा तो इसके बारे में मैं नहीं पता क्योंकि हम फ्रेशर है, बाकी जो मतलब मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड है जो सीनियर है तो उनकी मतलब एचओडी लोग तो बताते होंगे ना कि तुम्हारे सीनियर कितने का प्लेसमेंट लगी है, सारी जिनों की लग भी चुकी, मतलब जिन लोगों की लग चुकी है यहाँ से वो भी बताते हैं कि हाँ उनका सही पैकेज मिलता है उनको, बाकी अच्छा है। अगर मैं कैंपस रेटिंग ओवरऑल की बात करूँ, एकेडमिक्स, टीचर, उसके बाद एनवायरमेंट, उसके बाद जो भी एकेडमिक सब मिलाकर के बात करूं, तो आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहोगे आप? 7, 8 आप? मैं 8 देना चाहोगे। एक और लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है 2024 के अंदर, ठीक है वो चाह रहा है कि यहाँ पे एडमिशन ले, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या ऐसा कुछ टिप्स बताना चाहोगे कि वो अगर एडमिशन ले तो वो गलती नहीं करे, या फिर वो चीज पहले से करके आवे, ऐसा कोई टिप्स गाइडेंस बता दो एज ए सीनियर? एज ए सीनियर बोलना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मतलब सब अच्छा है, सब फ्रेंडली एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग काफी शांत है, मतलब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करते, काफी शांत है। वो तो देखने से भी लग रहा है कैंपस। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ये हमारे साथ दो स्टूडेंट थे, नाम फिर से आप लोग बता दो। आई एम विश्वास, आई एम फ्रॉम हरियाणा। विश्वास, आप? पीयूष राठी फ्रॉम हरियाणा। तो ये लोग आपको कैंपस में मिल जाएंगे, अगर आप कैंपस विजिट करने आते हो या फिर एडमिशन लेके आते हो या फिर एडमिशन लेने के लिए आते हो, जो भी चीज है मैं ट्राई करूंगा कि ये लोग का है ना कमेंट में ये लोग को अलाउ कर दूं कि जो भी आपका सवाल आता है तो ये लोग आपको आंसर कर पाए। ये लोग को मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप कुछ बच्चों को गाइड कर सकते हो कमेंट में, बाकी पर्सनली अगर टच में रहेंगे तो कुछ बच्चे को अगर कॉन्फिडेंस करके बात करा सकूँ तो वो भी करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। देखो यार पॉसिबल तो नहीं हो पाता, इतने सारे स्टूडेंट हमारा वीडियो देखते हैं तो सबको बात कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग को भी अपना स्टडी करना है, ठीक है। बट किसी भी रीजन कोई भी स्टूडेंट अगर जेन्युइनली किसी को नीड होगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये अनफिल्टर्ड रिव्यू है, कोई बायस रिव्यू नहीं है, अनबायस्ड रिव्यू है, डायरेक्ट मैं स्टूडेंट से बात किया हूँ, जो रियलिटी है आपके सामने है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कई सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, और कई सारे यूनिवर्सिटी का हम ऐसा वीडियो लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, ठीक है।